व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक अगेन अनदर व्लॉग। भाई जस्ट अभी जिम से आता जा रहा हूँ और जिम में आज कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और थोड़ा बहुत कोशिश भी की तो हो नहीं पाया था। यार पता, सर्दियों में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, ऐसी धूप में बैठे रहो, बढ़िया भयंकर ठंड पड़ रही हो और धूप आ जाए भाई, ऐसा मौका होता पूरे दिन बैठ रहो भाई। जैसे अभी पता सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है और धूप आ गई ना तो ऐसा लग रहा है कि भाई बस पूछो मत भाई, और बढ़िया बैठ के अपना शेक पियो, क्या चाहिए जीवन में। और मैं बैठ के फ़ोन चला रहा, मैंने फ़ोन में देखा भाई कल का व्लॉग ही एडिट नहीं किया मैंने, अब बैठ के उसे भी एडिट करना है भाई। मैं सोचता हूँ ना कोई काम करने की कि यार मैं ये काम जल्दी कर लूँ, वो यार कभी जल्दी नहीं होता। व्लॉगिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मेरे मन में ना कोई बात नहीं रहती, पहले कोई बात रहती थी तो बोल नहीं पाते थे अपन किसी से, तो अब जैसे कोई बात होती है ना कैमरे पे बोल दो और भले ही वो चीज़ बाद में डालो या ना डालो पर मन से हट जाती है, निकल जाती है, मतलब बोझ टाइप का नहीं लगता कि अरे मन में ये बात है, हटाओ। गाइस अपन नानू के बिल्कुल रेडी हो रखे हैं, वैसे तो आज कॉलेज जाना था बट अब मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, आज मंडे तो मैं भी जाऊँगा अचलेश्वर महाराज जी के मंदिर, फिर मैं घर पे आके पढ़ूंगा क्योंकि कल है एग्ज़ाम, कॉलेज जाके कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कोई पढ़ाई वढ़ाई होनी नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह मिल ही चुके हैं थोड़े बहुत, उन्हें पढ़ लेंगे, कल अपन पास हो जाएंगे कल के एग्ज़ाम में। तो पहले अपन चलते हैं महाराज जी के मंदिर। गाइस आ चुके हैं बाबा के दरबार में वापस, गाड़ी स्प्लेंडर में इसकी गाड़ी पसंद है यार, वो अपनी स्प्लेंडर, चलो चलो बेटे लेट्स गो। मंदिर से आके खाना वाना खा के मुझे पढ़ने बैठ गया था, फिर पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, कॉलेज में गया नहीं था आज क्योंकि कल पेपर है और कॉलेज आज जाने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दो क्लास थी। सो गाइस अपन पढ़ रहे थे, मैंने पापा को बोला मेरे को चाय दे जाओ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, बस चाय आ चुके, अपनी चाय पी के फिर से पढ़ेंगे। गाइस जो कल मेडिसिन रह गई थी ना तो वो मेडिसिन ले आते हैं, मेडिकल वाले को मैं बताया था कि लानी है, ले आया, मेरे पास कॉल आया था जस्ट अभी। चलो भाई साहब, ओए चल, मेरे को लग रहा है ये मेडिसिन बहुत हैवी है कि इसीलिए आदमी रख नहीं रहा है, हैं आदमी की हमारी बीमारी है, कम बीमारी तो है भाई, मेरे को बहुत कम मेडिकलों पे मिल रही है, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रही मेडिसिन मेरे को यार, वो ऐसा चूतिया है ना ग्लोबल हॉस्पिटल वाला, साले पे मेडिसिन हो गया भी उसने मुझे मेडिसिन नहीं दी यार। गुप्ता जी के मेडिकल पे भी देख लिया यार, मेरे से कही थी कि आ चुकी है मेडिसिन, चले आप ले आओ। गुप्ता जी तुम्हारी बात झूठी निकल गई, तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, पेट्रोल फकवा दी तुमने मेरी घर से अजरे तक की, मेरी नहीं हिमांशु की, अरे तुम अब भग रहे हो, कहाँ भग रहे हो, बेरोजगार नल्ले छबरी उसकी पोस्ट देखो इंस्टाग्राम पे जाके, क्या आईडी है तेरी, देखना मजा आ जाएगा नहीं आएगा मजा, एक नंबर, तेरा बाप भी तो अंडे की क्या लगाता था, रेडी लगाता था चेमड़ी, चला भाई ओके ओके।
सो गाइस हिमांशु के जाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैं, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और वैसे एग्ज़ाम की टाइमिंग 10 बजे की थी, बट अभी नोटिफिकेशन आएगी चेंज हो रखी है, तो अब है 1:30 बजे से एग्ज़ाम। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं आराम से सो जाऊँ, कल सुबह 6:30 पे उठ के जिम चले जाऊँगा, जिम से आके मैं पढ़ लूँगा, फिर एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा। बट अभी पढ़ा तो मतलब कुछ समझ नहीं आया, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आया क्योंकि यार सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है मेरा आजकल। सो वैसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।